मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग सुनते आ रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन हम लोगों को उसका बैकग्राउंड थ्योरी नहीं पता रहता है, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज ही क्यों करना है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल, अगर मैं सपोज आपको बोल दूँ कि मैंने आई टुक 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज, तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो सुक्रोज नहीं बोलते, हम उसको शुगर कहते हैं। बट इफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हियर्स दिस कि 1 मोल ऑफ या फिर 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज किसी ने कंज्यूम किया है, तो हमारे दिमाग में वो पिक्चर्स बनने लग जाती है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, बीटा लिंकेज तैयार होगी, 1,4 लिंकेजेस या फिर 1,2 लिंकेज जो भी है वो तैयार होगी उनमें। सो ये हमारे दिमाग में पिक्चर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसको पेपर में रिप्रेजेंट करना इतना ईजी नहीं है। So, representation of any molecule on paper with respect to the number of atoms present, that is simply called as molecular formula. Also, molecular formula के कुछ simple rules हैं, कुछ simple तो नहीं but basic rules हैं जो आप लोगों को पता हैं, बस मैं एक बार refresh करवा देती हूँ। तो suppose हमारे पास कोई formula में let's take carbon methane लेते हैं, ठीक है। तो methane लिखने के लिए हमें ये पता है कि 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम यूज हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, सपोज हमारे पास जो है सिर्फ मीथेन वर्ड बोला गया, ठीक है। और मीथेन के लिए हमें बोला गया है कि 1 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन है। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा एटम होगा जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा नहीं है, सिर्फ सिंगल एटम है, तो उसके लिए आप कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं यूज करने वाले। मतलब कि आप इस कार्बन के लिए 1 नहीं यूज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, वो 1 वैसे ही रह जाएगा। देन अगर किसी भी एटम के लिए आपके पास 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए जितने नंबर्स यूज हो रहे हैं उसका सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो जैसे कार्बन 1 था लेकिन हाइड्रोजन 4 थे, तो आप उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो, CH4 यूज करते हो। कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बताती हूँ, जैसे कि अभी हम लोगों ने सुक्रोज की बात की, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C12H22O11, ठीक है। और ये क्या देता है, जस्ट हम लोगों ने बात की, वो क्या देता है, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज देता है। Both are isomers of each other. Fructose, glucose, galactose, ये सबके सब एक दूसरे के isomers हैं, ठीक है, confuse नहीं होना है। They are nothing but isomers of each other. And isomer का formula, isomer का मतलब क्या होता है? Having the same formula but different structures. तो formula same ही होगा। तो C6H12O6 plus C6H12O6, कोई भी glucose, कोई भी fructose assume कर लो, कोई problem नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये formula आपको explain कर रहा है कि 12 कार्बन एटम्स हैं, देन हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं, जो पूरा का पूरा साथ में मिलाकर एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल दे रहे हैं आप लोगों को। वैसे ग्लूकोज के केस में क्या होता है, 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है। ये सारे के सारे एटम्स मिला के आप लोगों को मॉलिक्यूल बनाकर दे रहे हैं। और जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गिविंग द नंबर ऑफ एटम्स एंड गिविंग द सिंबल्स प्रॉपरली, दैट इज हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। वैसे ही जब हम कह देते हैं कि सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड कह दिया हम लोग ने, लिखना अलग बात होती है। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब मैं लिखूंगी तो मैं ऐसे बहुत बड़ा स्पेलिंग लिखूंगी, लेकिन अगर कोई बहुत स्मार्ट बच्चा होगा तो इतना बड़ा स्पेलिंग कौन लिखेगा, पेपर में भी बच्चे पूरे का पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लिखेंगे ना। तो आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला लिख दोगे MgO। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है, दैट इट बेसिकली कंप्रेसेस एवरीथिंग, इट कंप्रेसेस द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। दैट इज व्हाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर, एंड अदर देन दैट इट आल्सो टेल्स यू अबाउट द व्हाट वी कैन से साइज ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर सुक्रोज देखो और ग्लूकोज देखो, कंपेयर करो, ग्लूकोज सुक्रोज जो है वो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, हम लोगों को पहले ही पता चल गया, बिकॉज 12 कार्बन एटम्स आर अटैच टू ईच अदर। 12 कार्बन एटम्स कहीं ना कहीं दूसरे से अटैच्ड हैं बाया एनी लिंकेज, यहाँ पर जनरली 1-2 लिंकेज ही होती है। सो इवन इफ दे आर अटैच्ड बट द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी ह्यूज। सो नंबर ऑफ एटम्स रियली एक्सप्लेन यू वेदर द मॉलिक्यूल इज स्मॉलर और बिगर। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, सेल्यूलोज जो है वो इससे बनता है, बीटा लिंकेज से बनता है। ग्लूकोज के बीटा लिंकेज से क्या बनता है, सेल्यूलोज बनता है। तो सेल्यूलोज में क्या होता है, 7,000 to 10,000 बीटा ग्लूकोज यूज होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर 7,000 to 10,000 यूज होता है। सो जब आप लोग फॉर्मूला लिखोगे उसका, जब आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे और एक बार यूनिट में जब हम लिखते हैं 7,000 to 10,000, वहां पर समझ में आता है कि वो मॉलिक्यूल कितना बड़ा है। सो फॉर्मूला आपको मॉलिक्यूल बड़ा है या नहीं वो बताता है, देन आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री कॉम्प्रेस करके दे रहा है, ईजी गोइंग कर रहा है। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, simple representation in terms of number of atoms present and the type of element existing. That is called as molecular formula.